ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिजाइनर वाले फंदे डाले हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी फंदा डालकर या फिर कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये बच्चों का स्वेटर पे बहुत ही खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन। ये इस तरह से दिखेगी। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 29 फंदे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़े से फंदे में ये डिज़ाइन बना के बताऊँगी। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। देखिए फंदे डालने के लिए हमें ऊन को इस तरह से ऐसे चार परत का करना है। देखिए इस तरह से चार परत का धागा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें गांठ लगाना है। अब देखिए ये वाला धागा हमें इस उंगली में ऐसे लपेटना है और ये चार परत वाला हमें ऐसे अंगूठे में लपेटना है। ये एक फंदा यहाँ पे इस तरह से रहेगा और यहाँ पे देखिए हम सिलाई यहाँ पे ऐसे डालेंगे ऐसे बीच में और धागा लपेटेंगे और इसे हम ऐसे वापस कर लेंगे। अब अंगूठे को हम इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई डाल के धागा लपेटेंगे और ऐसे देखिए इस तरह से फंदे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये दो फंदा बन गया है। यहाँ पे ये जोड़ों में फंदा बनता है। एक बार धागा देखिए हमें यहाँ से ऐसे लेना है एक। अब अंगूठा घुमा के ऐसे बनाएंगे दो। हमें ये वाली उंगली नहीं घुमानी है, इसे हम ऐसे पकड़े रहेंगे धागे को। हमें सिर्फ अंगूठा घुमाना है। देखिए एक बार ऐसे घुमाएंगे फिर अंगूठा इस तरह से घुमा के ऐसे फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। देखिए यहाँ पे मैंने 17 फंदे बनाए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे और ये पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है। देखिए देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए इस तरह। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये लाइन हमें पूरी सीधी बनानी है। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में।
ये लाइन हमें पूरी उल्टी बनानी है। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। अब इसे हम पलट लेंगे, इसकी राइट साइड में ये पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है। देखिए इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। और पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है। देखिए इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे दूसरे कलर का धागा अटैच करना है। देखिए इसे गांठ लगा लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ के, देखिए यहाँ पे जो दूसरा फंदा है, यहाँ पे देखिए दूसरा फंदा, एक दो तीन चार, हमें सिलाई यहाँ पे डालनी है। देखिए पहला फंदा छोड़ के यहाँ पे इस दूसरे फंदे के यहाँ पे नीचे, देखिए एक दो तीन चार, हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे। धागा लपेटेंगे और यहाँ पे हम एक फंदा, देखिए इस तरह से ऐसे बनाएंगे। अब फंदे को हम इस तरह से ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन फंदा हम स्लिप करेंगे और ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर देंगे। ये वाला फंदा हमें ढीला सा रखना है, देखिए इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ये इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये पहला फंदा छोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए इस दूसरे फंदे के नीचे, देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार, यहाँ पे हम सिलाई डालकर एक फंदा बनाएंगे ऐसे। धागा लपेटेंगे, देखिए इस तरह से बना लेंगे। अब फंदे को ऐसे पलट लेंगे और तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन, और ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। देखिए ये इस तरह से बनेगा। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यही डिज़ाइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे।
ये एक दो तीन चार, यहाँ पे सिलाई डालेंगे, एक फंदा यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे, फंदा पलटेंगे और तीन फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन। अब ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, एक फंदा सीधा। अब ये एक फंदा छोड़ के यहाँ पे एक दो तीन चार, देखिए यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे, फंदा पलटेंगे, एक दो तीन फंदा स्लिप करेंगे, इसे इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे और ये एक फंदा सीधा, देखिए येलो कलर से हमने एक लाइन बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। अब यहाँ पे देखिए ये फंदा हम देखिए इस तरह से बुनेंगे उल्टा, देखिए ये दो फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एक फंदा हम स्लिप करेंगे, स्लिप। अब यहाँ पे देखिए एक ये दो ये तीन, ये तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे और ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे, देखिए ये बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे और ये तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे, देखिए इस तरह, एक दो तीन, तीन फंदा इस तरह से बुन के ये एक फंदा स्लिप करेंगे और ये तीन फंदा उसी तरह से उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और ये फंदा स्लिप करेंगे, तीन फंदा उल्टा, दो तीन, और ये एक फंदा स्लिप, ये दो फंदा उल्टा, देखिए इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में और ये पूरी लाइन हमें सीधी बनानी है, देखिए येलो कलर के धागे से ही बनाना है। अभी हमें चार लाइनें हमें इस कलर से बनानी है और चार लाइनें हमें फिरोजी वाली से बनानी है, देखिए दो लाइन हमारी हो गई है और ये तीसरी लाइन है येलो कलर से, देखिए अब हमें ये वाला फंदा भी बुनना है, देखिए इस तरह से, कैसे बुनेंगे, देखिए अब हम इसे पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में और ये पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है, देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन बनानी है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में, देखिए इसकी राइट साइड में पलट लेंगे, चार लाइनें हमने येलो कलर से बना ली है, अब हमें चार लाइनें फिरोजी कलर के धागे से बनाना है। ये वाला धागा ऐसे ऊपर करेंगे, देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन सीधे बुननी है,
ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। ये पूरी लाइन हमें उल्टी बुननी है। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। देखिए ये पूरी लाइन हमें सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन बनाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन उल्टी बनानी है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। देखिए फ्रेंड्स, चार लाइनें हमने फिरोजी कलर के धागे से बना ली हैं। अब हमें चार लाइनें येलो कलर के धागे से बनानी है। हमें यही वाली डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट करनी है। देखिए येलो कलर का धागा ऊपर लेके आएंगे, ऐसे एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए ये वाली एक लाइन छोड़ के, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दूसरे फंदे के यहाँ पे देखिए नीचे हमें यहाँ पे सिलाई डालनी है। 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे सिलाई डालेंगे। यहाँ पे हम एक फंदा देखिए इस तरह से ऐसे बनाएंगे। अब फंदे को ऐसे पलटेंगे और तीन फंदा हम स्लिप करेंगे। 1 2 3 अब ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, देखिए इस तरह से। अब ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे उसी तरह से बनाएंगे, ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे। देखिए फंदे को ऐसे पलटेंगे। एक दो तीन फंदा स्लिप करेंगे। अब ये वाला फंदा हम ऐसे उतार देंगे, इस तरह से बनेगा ये। और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे सिलाई डालेंगे। एक फंदा बनाएंगे, फंदा पलटेंगे, तीन फंदा हम स्लिप करेंगे। 1 2 3 अब ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ये फंदा सीधा। अब यहाँ पे वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे ये पता चलने लगता है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ पे चार फंदा हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों कलर यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे हम देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे ये चार फंदा आता है, इसमें से ऐसे एक फंदा बनाएंगे, फंदा पलटेंगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे। 1 2 3 ये फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे और ये एक फंदा सीधा बुनेंगे।
ये ध्यान दीजिएगा कि ये फंदा हमें ढीला ढीला रखना रहता है, अगर हम इसे टाइट कर देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा। अब इसे हम पलट लेंगे और वही लाइनें हम रिपीट करेंगे जो चार लाइनें हमने येलो कलर में बनाई थी। दो फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, यहाँ पे देखिए उसी तरह से बनाना है। ये एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। और जो देखिए हमने ये तीन फंदा स्लिप किया था उसमें का ये बीच में का ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ पे हमने ये तीन फंदा स्लिप किया है उसमें का ये देखिए ये बीच वाला फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे और ये एक दो तीन, ये तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे और ये वाला हम स्लिप करेंगे और एक दो तीन, ये तीन फंदा हम उल्टा बुनेंगे और ये वाला फंदा हम स्लिप करेंगे। देखिए इसी तरह से बनाएंगे। ये फंदा हमने स्लिप किया। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदा उल्टा और देखिए ये बीच वाला फंदा आ रहा है इसे हम स्लिप करेंगे और यहाँ पे देखिए ये तीन फंदा उल्टा, दो तीन, देखिए ये तीन फंदा उल्टा और ये एक फंदा स्लिप करेंगे, ये तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, दो तीन, ये एक फंदा स्लिप करेंगे। देखिए ये दो फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगा। यही लाइन हमें रिपीट करते हुए जाना है। चार लाइनें हमें ये फिरोजी वाली बनानी है और चार लाइनें हमें ये येलो वाली बनानी है। येलो वाली लाइन में हमें ये डिज़ाइन बनाना है और ये चार फिरोजी वाली लाइन हमें सीधी तरफ से सीधी बुननी है और उल्टी साइड से हमें उल्टी बुननी है। देखिए इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर दो लाइन हम येलो कलर के धागे से बनाएंगे। ये राइट साइड है तो हमें ये लाइन सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। अब इसे पलट लेंगे इसके रॉन्ग साइड में और ये पूरी लाइन हम उल्टी बुनेंगे। देखिए इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बनेगा। अब हमें चार लाइनें ये फिरोजी कलर के धागे से बनाना है। यहाँ पे ये फिरोजी वाला धागा ऊपर करेंगे, देखिए इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।